वेलकम टू क्रिएटिव आर्ट। ये है कोरल ड्रॉ की क्लास और कोरल ड्रॉ के इस क्लास में हम देखेंगे सेव एज टेम्पलेट। अपने किसी फाइल को एज एक टेम्पलेट हम किस तरह से सेव करके रख सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पास ही बेल के आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे चैनल के अपडेट्स आपको मिलते रहे। ये वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करना बिल्कुल ना भूले। नमस्कार, मैं हूं सुमित और आप देख रहे हैं क्रिएटिव आर्ट। ऑलराइट, वेलकम बैक अगेन। आइए स्टार्ट करते हैं। तो मैंने एक आई कार्ड डिजाइन किया है। मैं चाहता हूं कि ये एक एज ए टेम्पलेट हम सेव करें। अब पहले ये बात आ जाती है कि टेम्पलेट हम सेव क्यों करते हैं। देखिए, कोई भी फाइल हो, कोई डिज़ाइन आप बार बार यूज़ करना चाहते हो। मैं ये एक आई कार्ड मैंने डिज़ाइन किया है और मैं चाहता हूँ जी इसको मैं बार बार यूज़ करता हूँ। ठीक है, बार बार यूज़ करने का मतलब इसमें कुछ नेम है, कुछ एड्रेस वगैरह है, इसको चेंज करके बाकी डिज़ाइन वही रखता हूँ मैं और हर बार मैं इसको यूज़ करता हूँ। तो हम क्या करेंगे कि इसको सेव एज टेम्पलेट में सेव करके रखेंगे। पर उससे पहले कुछ एक बातें मैं आपको बता देना चाहता हूँ। सेव एज टेम्पलेट में हमेशा प्रिंटिंग की ही फाइल रखी जाती है। ज़रूरी नहीं कि प्रिंटिंग की भी, लेकिन ज़्यादातर हम प्रिंटिंग की ही फाइल रखते हैं। ठीक है, अब प्रिंटिंग हमेशा CMYK के कलर में ही होती है। ये देखिए CMYK के कलर है। ठीक है, इस चीज़ का हमेशा याद रखिए। दूसरी बात, अगर आपने पूरा कंप्लीट डिज़ाइन बना लिया है तभी आप सेव एज टेम्पलेट में सेव कीजिए। अनकम्प्लीट मत कीजिए, उसे CDR फाइल में ही सेव करके रखिए। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि वो सेव एज टेम्पलेट में ही रहेगा वैसे, और फिर वो अपडेट भी नहीं होगा। जैसे आप सेव कर दोगे वैसे ही वो रहेगा। ठीक है, उसमें आप एडिट कर सकते हो, लेकिन CDR फाइल में जो अनकम्प्लीट आपका डिज़ाइन होता है वो रखा जाता है, और जो कम्प्लीट डिज़ाइन है उसे सेव एज टेम्पलेट में रखा जाता है ताकि आप बार बार उसको यूज करो। अगर कुछ आपने गलती की है तो हर बार वही गलती होती रहेगी आपसे, राइट? तीसरी बात, ये आपको गाइडलाइंस दिख रहे होंगे, इससे कोई इशू नहीं है। आप इसे रखें या ना रखें, ये टेम्पलेट में आपको बाद में नहीं दिखेंगे, पर मैं सजेशन दूंगा इसको रखिए आप। इससे ये रहेगा कि आपका जो डिज़ाइन है वो ठीक ठाक है या नहीं। ठीक है, इसको रखना बड़ा ज़रूरी होता है। आप चाहो तो हटा सकते हो अपनी मर्जी से, लेकिन जब ये टेम्पलेट सेफ हो जाएगा उसके बाद अपने आप ये हट जाता है, तो इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ये जो गाइडलाइन वगैरह है ये सब लेआउट्स का ही एक पार्ट है। तो अगर आपने लेआउट का मेरा वो वीडियो नहीं देखा तो पर आई के बटन में लिंक दे रहा हूँ, उस वीडियो को देखकर आप समझ पाओगे कि लेआउट क्या होती है, किस लिए हम यूज़ करते हैं और कितना इम्पॉर्टेंट होता है लेआउट। ठीक है, तो ऊपर आई के बटन में लिंक दे रहा हूँ, क्लिक कीजिए और देख लीजिए। सो अब हम इसको सेव करेंगे। तो सेलेक्ट कर रहा हूँ मैं, देखिए कुछ इस तरह से मैंने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं है कि इस पूरे फाइल में एक ही आपने कोई डिज़ाइन बनाओ। कई लोग ऐसे भी करते हैं कि एक ही फाइल में कई तरह के डिज़ाइन ऊपर नीचे करके बना लेते हैं, तो ऐसे में क्या होता है कि वो पूरा ही सेव हो जाएगा। तो आप सेलेक्ट रखिए, ठीक है, इसको जिस भी आपने फाइल को सेव करना है। ठीक है, मैं इस इतना पार्ट को मैं सेव करना चाहता हूँ तो मैंने इतना को सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, उसके बाद फाइल में जाएंगे और सेव एज टेम्पलेट में क्लिक करेंगे। इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, बस सेव एज टेम्पलेट में आप क्लिक कर दीजिए। ठीक है, अब कोरल ड्रॉ अपने आप ही किसी फाइल में सेव करता है, इसको सेव करता है और टेम्पलेट्स की फाइल में। ये कोरल ड्रॉ की टेम्पलेट्स की फाइल है। ठीक है, आप चाहो तो अपनी मर्जी से कहीं और डेस्कटॉप वगैरह वगैरह कहीं पे भी सेव कर सकते हो, लेकिन होगा क्या, मैं एक चीज आपको दिखा दूं। मैं यूज कर रहा हूँ कोरल ड्रॉ 19, तो यहाँ पे न्यू फ्रॉम टेम्पलेट में आपको दिखाता हूँ, और मैं ऑल कर दूंगा तो यहाँ पे देखिए कई सारे टेम्पलेट सेव हैं। तो यहाँ वो नहीं दिखाएगा अगर आपने कहीं और सेव किया है तो। ठीक है, मैं वापस से जाता हूँ और सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे सेव एज टेम्पलेट करता हूँ। ठीक है, अब अगर यहाँ सेव होता है तो वहाँ पे दिखाई देगा।
ठीक है, मैं इसको सेव कर रहा हूँ यहाँ पे, और ये नेम पूछेगा, नेम आप कुछ भी रख सकती हो। ऑलराइट, सो नेम मैं टाइप कर रहा हूँ क्रिएटिव आर्ट आई कार्ड, ठीक है जी। और सेलेक्ट ओनली, देखिए अभी मैंने कहा था सेलेक्ट कर लीजिए, तो यहाँ सेलेक्ट ओनली, सेलेक्ट ओनली इसलिए हम चेक कर रहे हैं कि जो चीज हमने सेलेक्ट किया है वही एज ए एक टेम्पलेट सेव होगा, राइट। और इसको देखिए यहाँ एडवांस भी अगर मैं यहाँ क्लिक करता हूँ तो यहाँ कुछ इंफॉर्मेशन आपसे मांगता है, खैर ये इतना ज़रूरी नहीं होता है, ठीक है, इसको आप इग्नोर कीजिए, ये इतना ज़रूरी नहीं है। ओके कर देंगे और देन सेव कर देंगे इसको, ठीक है। अब यहाँ से वर्जन भी है, आप मान लीजिए इस टेम्पलेट को आप कहीं भेजना चाहते हो, किसी जगह आप भेजना चाहते हो और उनके पास कोई पुराना वर्जन है, तो उस पुराने वर्जन में आप क्लिक कर दीजिए। फॉर एग्जाम्पल के लिए उनके पास 14 वर्जन है, 13 वर्जन है कोरल ड्रॉ का, तो उस वर्जन को सेलेक्ट करके सेव एज टेम्पलेट में भी आप सेव कर सकते हो, ठीक है। तो मैं इसको सेव कर रहा हूं, तो ये टेम्पलेट प्रॉपर्टी खुल जाता है। टेम्पलेट प्रॉपर्टी में टेम्पलेट की कुछ डिटेल वगैरह आप देना चाहते हो तो दे दीजिए, तो मैं सिर्फ दिखाने के लिए क्रिएटिव आर्ट आई कार्ड, ठीक है जी, मैंने ये टाइप किया। साइड्स ये पूछ रहा है डबल है सिंगल है, अभी तो मैंने सिंगल ही डिज़ाइन किया है तो मैं इसको सिंगल कर देता हूँ। अब फोल्ड्स, फोल्ड्स उसमें काम आता है जब देखिए आप कोई ब्रोशर वगैरह डिज़ाइन कर रहे हो तो फोल्ड्स उसमें काम आता है। अब ट्रिप फोल्ड आपने ब्रोशर डिज़ाइन किया है तो, या टू फोल्ड या जो भी हो, अब मैं इसको नन कर रहा हूँ, ठीक है। टेम्पलेट कैटेगरीज में आ जाते हैं, तो यहाँ पे आपसे पूछता है एडवर्टाइजमेंट के लिए, ये बिजनेस कार्ड है, कैटलॉग्स है, सर्टिफिकेट है, क्या चीज़ है ये, वो चीज़ मैं इसको नहीं छेड़ूंगा, आप चाहो तो यहाँ कुछ भी रख सकते हो, ठीक है। अगर आपने कोई बिजनेस कार्ड डिज़ाइन किया है तो बिजनेस कार्ड सेलेक्ट कर लीजिए, बिजनेस स्टेशनरी सेलेक्ट किया है, चलिए मैं बिजनेस स्टेशनरी ही सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं इंडस्ट्री, इंडस्ट्री में कम्युनिटी, एजुकेशन वगैरह वगैरह कई सारे हैं, चाहो तो आप रख सकते हो या नहीं चाहो तो नहीं भी रख सकते हो, चलिए मैं अदर में कर देता हूँ इसको दिखाने के लिए, और इसको ओके कर देता हूँ, ठीक है। अब जैसे मैंने ओके किया और यहाँ पे दिखा रहा है वो सेव हो रहा है, ठीक है, अब देखिए गायब हो गया, इसका मतलब वो सेव हो गया, ठीक है। मैं इस फाइल को अब क्लोज कर देता हूँ, अब आपको दिखाता हूँ। देखिए मेरा तो न्यू वर्जन है तो यहाँ पे दिखा रहा होगा, कोई पुराना वर्जन अगर यूज कर रहे हो तो भी आपको फाइल में जाकर न्यू फ्रॉम टेम्पलेट ये ऑप्शन जरूर आ रहा होगा, इसमें क्लिक कर दीजिए और ये एक पॉपअप विंडो खुल जाता है। तो सो देखिए अगर आपने कोई कैटेगरी सेलेक्ट किया है तो वहाँ जरूर दिखाएगा, और ये देखिए हमने यहाँ पे बिजनेस स्टेशनरी सेलेक्ट किया था तो यहाँ पे वो कैटेगरी में दिखा रहा है, ठीक है। नहीं तो अगर यहाँ नहीं दिखा रहा है किसी वजह से तो आप यहाँ पे माई टेम्पलेट्स में क्लिक कर दीजिए तो यहाँ पे भी ये दिखाएगा, ठीक है। अब नीचे आ जाते हैं, यहाँ पे एक स्लाइडर सा है, ठीक है, ये थंबनेल बड़ा या छोटा करने के लिए, आप बड़ा देखना चाहते हो छोटा देखना चाहते हो जैसे मर्जी आप करना चाहते हो। यहाँ कुछ डिटेल्स वगैरह दिए हुए हैं, नेम वगैरह है, साइज वगैरह दिया हुआ है, सिंगल है डबल है कैसा है, ये ओरिएंटेशन वगैरह सब दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद आप चाहो तो यहाँ से ओपन कर सकते हो, वापस से ये ओपन हो जाएगा, ठीक है। मैं इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ और इसको ओपन कर रहा हूँ, ये ओपन हो चुका है, ये देख सकते हो। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि वो जो गाइडलाइंस वगैरह है अब मत हटाइए क्योंकि वो टेम्पलेट्स में वैसे भी नहीं दिखेगा आपको, तो ये देख लीजिए, आप चाहो तो इसको बार बार यूज कर सकते हो, कंट्रोल यू से मैं अनग्रुप कर रहा हूँ, और उसके बाद आप चाहो तो इसको एडिट कर सकते हो, राइट। सो आई होप कि आज का जो क्लास था आपको जरूर पसंद आया होगा, पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। किसी भी तरह का क्वेश्चन हो इस वीडियो से रिलेटेड आप मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अगले कोरल ड्रॉ की क्लास में हम कुछ और नया सीखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।